मुश्क, साढ़े दस बजने वाले हैं और पता है आज फवाद खान की टेलीफिल्म आने वाली है. जी मालूम है. तुम्हारा क्या ख्याल है हम दोनों बैठ के टीवी लाउंज में वो टेलीफिल्म देखेंगे और अब्बू जी को पता नहीं चलेगा? ओफो, पता नहीं क्या मुसीबत है, हमारा घर है या कोई जेल. अंबर, यही टेलीफिल्म कल 2 बजे दोपहर में रिपीट होगी, चुप करके तभी देखना. मुझे दोपहर में नहीं, मुझे आज ही देखनी है बस. पागल हो गई हो तुम? पता है अबू जी को कितना बुरा लगता है रात 10 बजे के बाद हम सब लोगों का जागना. चुपचाप तुम सो जाओ. और जो तुम ये MSc करने के ख्वाब देख रही हो उसका क्या बनेगा? हाँ तो मुझे समझ नहीं आता, ये अबू जी की पसंद और नापसंद देखने के चक्कर में ना हम एक ना एक दिन मर ही जाएंगे. एक बात तो बताओ, अब्बू जी ने हमें बताया नहीं अभी तक कि किस दिन हम मरेंगे, कितने बजे और कितने मिनट पे मरेंगे. अंबर, ये मजाक की बात है, अलग बात है. दुआ करो अब्बू जी यूनिवर्सिटी के लिए मान जाए, मेरा बड़ा दिल है. मैं ना तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगी, लेकिन इसकी एक शर्त है. क्या? तुम्हें मेरे साथ ना बाहर से जाके वो टीवी ट्रॉली अंदर लानी होगी, और जब हम टेलीफिल्म देख लेंगे तो उसके बाद हम वापस उसकी जगह पे रख देंगे. अब्बू जी को पता भी नहीं चलेगा. नहीं तो अच्छा, अगर तो अब्बू जी को पता चला मैंने तुम्हें आगे कर दिया. मंजूर है. बिल्कुल ऐसी करूंगी. नहीं नहीं नहीं, फिर से करके देखो.